टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। कोरोना से छिड़ी जंग के बीच एक बार फिर पीएम मोदी देश की जनता से मुखातिब हुए। पीएम मोदी ने सात बातों में जनता से साथ मांगा है। जिसमें अहम बात कुछ इस प्रकार से है कि आप अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें। पीएम मोदी की ओर से ये अपील की गई है। इसके अलावा पीएम मोदी ने भारत की जनता से मास्क लगाने की भी अपील की है। बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए काढ़ा पिए पीएम मोदी। इस बुरे वक्त में गरीब परिवारों की मदद करें, ये भी पीएम मोदी की ओर से अपील की गई है। इस बुरे वक्त में अपने कर्मचारियों का ख्याल रखें उद्यमी। पीएम मोदी की ओर से यह अपील देश के उद्योगपति या फिर फैक्ट्री संचालकों के लिए की गई होगी। कोरोना से बचने के लिए शुरू की जा रही ऐप को फॉलो करने की भी पीएम मोदी ने अपील की है। जबकि सातवीं अहम बात में इस दौरान जो कोरोना योद्धा कोरोना से युद्ध कर रहे हैं, पीएम मोदी की ओर से अपील की गई है कि उन कोरोना योद्धाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करें और उनका इस बुरे वक्त में सम्मान करें। यूं तो पीएम मोदी ने लगातार जिस तरीके से कोरोना से जनता युद्ध कर रही है, भारत युद्ध कर रहा है, तो इस बीच देश को संबोधित करते हुए इस लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया है। लेकिन इसके अलावा पीएम मोदी ने जिन इलाकों में कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं है उन इलाकों को 20 अप्रैल के बाद राहत देने की भी बात की है। इसके अलावा पीएम मोदी की ओर से ये 7 अहम बातें की गई हैं, जिनमें बड़े बुजुर्गों को ख्याल रखने की बात की गई है, मास्क लगाने की बात की गई है, बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए काढ़ा पीने की बात की गई है, इस बुरे वक्त में गरीब परिवारों की देख रेख करने की भी संपन्न परिवारों से बात की गई है, समाज सेवियों से बात की गई है, इस बुरे वक्त में कर्मचारियों का ख्याल रखने की उद्यमियों से अपील की गई है। कोरोना से बचने के लिए जो भारत सरकार की ओर से ऐप शुरू की जा रही है उसे फॉलो करने की बात की गई है। और सबसे अहम बात जो 7वीं बात है वो कोरोना योद्धाओं के उज्जवल भविष्य की कामना और इस बुरे वक्त में उनका सम्मान करने की बात की गई है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।